सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ये ड्रामा है, ये मकरू फरीब है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने उस लानती बयानिए से, जिस बयानिए के ऊपर पूरी कौम ने इनके ऊपर लानत भेजी है और भेजती रहेगी। जो शहबाज गिल पुलिस कस्टडी में रहे हैं 9, 10 और 11, 12 को जो है वो उनको जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया गया। मैं इन तीन दोनों की, उनकी पुलिस कस्टडी की, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैंने इस्लामाबाद पुलिस के आईजी से, उनके जो दीगर अफसरान हैं जो इस बारे में जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं, मैंने सब से तसल्ली की है, मैंने अपने तौर पे भी मालूमात हासिल की हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बतौर इंचार्ज मिनिस्टर इस बात की तर्दीद करता हूँ कि शहबाज गिल पर जो है वो ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी जो है वो कोई तशद्दुद हुआ है। वो पटियाला जेल में जो है वो रहे हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 6 दिन बनते हैं। इन 6 दिनों में किसी फोरम के ऊपर शहबाज गिल साहब ने कोई एप्लीकेशन दी हो, कोई कंप्लेंट की हो कि जी मेरे ऊपर जो है वो तशद्दुद हुआ है। 17 तारीख को जब उनका दोबारा जो है वो रिमांड दिया गया और इस्लामाबाद पुलिस उनकी कस्टडी के लिए जो है वो वहाँ पे गई, जिसको आगे से जो है वो रजिस्ट किया गया, तो उस वक्त जो है वो फिर उनकी जो है वो हालत ख़राब हुई है। और उनकी जो हालत ख़राब हुई है उसमें किसी तशद्दुद की बुनियाद के ऊपर जो है वो उनकी सेहत की खराबी जो है वो सामने नहीं आई। अब ये 6 दिन बनते हैं उनके अडयाला जेल के, और ये 3 दिन जो है, 2.5 दिन जो है ये पुलिस कस्टडी के हैं। पुलिस कस्टडी में तो मैंने पूरी जिम्मेदारी से मैंने बात की है, और मैं अपने अल्फाज को जो है वो ऑन करता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नू बतौर जमात किसी किस्म के तशद्दुद, टॉर्चर, ख्वाह वो जिस्मानी हो या जहनी हो, हम उसके सख्त मुखालफ हैं। हम समझते हैं PMLN एक सियासी जमात के तौर पे भी, और PMLN की गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारा ये मौक़िफ़ है। हम समझते हैं कि टॉर्चर जो है ये डिग्निटी ऑफ ए मैन, जिसकी गारंटी पाकिस्तान का आईन देता है, उसकी ये क्लियर कट वायलेशन है, ये आईन की वायलेशन है। हम किसी तौर पे जो है वो इसके हक में नहीं है। हम हर वो तशद्दुद जो किसी पर भी हो, वो जिस्मानी टॉर्चर हो या जहनी हो, हम उसकी ना सिर्फ मुखालफ हैं बल्कि उसकी मजम्मत करते हैं।